न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेल के माध्यम से पत्र भेजकर मांग की थी कि रीवा के अस्थायी बस स्टैंड रेलवे मोड़ से पुराने बस स्टैंड में फिर से तत्काल स्थानांतरित करने के निर्देश जारी करें, जिससे बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत और सुविधाएं मिल सके। वहीं अब इस पत्र का जवाब आया है, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए रीवा कलेक्टर परिवहन विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। इसके लिए किसान सुब्रत ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने मांग की थी कि चोराटा से रतहरा बरसों से निर्माणाधीन मॉडल सड़क के टेंडर की शर्तों, निर्माण का समय क्या था, आखिर सड़क कब बनेगी, जो कि कई वर्षों से लगातार शहरवासियों एवं शहर में आने जाने वालों को असुविधा दे रही है, इसे तत्काल बनाए जाने के निर्देश जारी किए जाए। ये रीवा का अस्थायी बस स्टैंड है, अस्थायी बस स्टैंड। आप सोच सकते हैं कई महीनों से यहाँ लोग परेशान हैं, आम यात्री से लेके हमारे बस चालक कंडक्टर सभी परेशान हैं। ना यहाँ पे बस खड़ी करने के लिए कहीं पे जगह है, ना यात्रियों को कहीं बैठने के लिए जगह है। आप देख रहे हैं ये ओवर ब्रिज ना होता तो उसकी छाँव के नीचे सब लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब लोग परेशान हैं। ना यहाँ पानी के पीने की पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ सुलभ शौचालय है। आप सोच सकते हैं पानी तो खरीद के पी सकते हैं, लेकिन सुलभ शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे? खासकर हमारी मातृशक्ति क्या करेंगी यहाँ पे? हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम बस स्टैंड को शिफ्ट करने से पहले ये सोचा जाना चाहिए कि यहाँ पे पानी है, सुलभ है कि नहीं है, क्या मूलभूत सुविधाएं आखिर एक बस स्टैंड के लिए होनी चाहिए। आप यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस बस स्टैंड को जहाँ पे बस स्टैंड था वहाँ शिफ्ट किया जाए।